ज़्यादा उम्मीद हमेशा दुख देती है। हाय दोस्तों, मैं हूं अश्विनी गौतम, एजुकेशनल मोटिवेशनल स्पीकर एंड योर लाइफ कोच। ये बात जो मैंने अभी आपको बोली है ना, ये अपने आप में बड़ी सटीक बात है। जब आप किसी से बहुत ज़्यादा उम्मीद कर लेते हैं तो ज़रूरत में वो उम्मीद जो है वो आपको हमेशा दुख देती है। बहुत सारे लोग मेरे पास इस तरह से आते हैं जो ये कहते हैं कि जी मैंने उसके लिए ये कर दिया, मैंने उससे वो कर लिया, लेकिन वो मेरे लिए कुछ ऐसा नहीं करता है। जब भी हम किसी के लिए कुछ करते हैं तो हमें उससे उम्मीद नहीं करनी चाहिए, बिकॉज हर आदमी का अपना एक नेचर होता है, हर आदमी का अपना एक कर्म होता है, और हर आदमी अपने नेचर और अपने कर्म के हिसाब से काम करता है। आप अगर किसी के लिए कर्म करते हैं, अगर आप किसी के लिए अच्छा करते हैं, तो ये आपका कर्म है, ये आपका नेचर है। और जब आप उम्मीद कर लेते हैं और वो उम्मीद आपके अकॉर्डिंग खरी नहीं उतरती है, तो वो आपको हमेशा दुख देती है। इसलिए अगर आप जिंदगी में सुखी रहना चाहते हैं तो अच्छा कर्म करें, दूसरों के लिए करें, लेकिन उससे उम्मीद ना करें, क्योंकि एक उम्मीद ना सिर्फ आपके अच्छे कर्मों को खराब करती है बल्कि आपके मेंटल लाइफ, मेंटल पीस के अंदर आपको डिस्टर्ब भी करती है, आपकी लाइफ को हेल्प बनाने का काम भी करती है। जब हम किसी से उम्मीद कर लेते हैं ना, तो वो उम्मीद जो है हमें सिवाय दुख के कुछ नहीं देती। तो उम्मीद मत कीजिए, सिर्फ बड़ा बढ़िया कर्म कीजिए। यही कर्म आपको आपकी जिंदगी में परमात्मा ने उसका फल आपको देना है, और वो परमात्मा आपके लिए हमेशा बेटर ही सोचता है। कोई भी इंसान आपके लिए कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि जो करता है वो परमपिता परमेश्वर करता है, और आप जिससे उम्मीद करते हैं वो आपके अकॉर्डिंग अगर कुछ नहीं करता है तो ये उसका नेचर है, ये उसका कर्म है, उसी को करने दीजिए। व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, और अपनी जिंदगी में एंजॉय कीजिए, कर्म कीजिए, पर उम्मीद मत कीजिए।